हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सब जोर से उत्साह के साथ जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के मूड में प्रेम से कहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव सुदर्शन चक्र रथ यात्रा महा महा उत्सव की जय। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वरचा
जय हो। आए हुए समस्त भक्तों का, माताओं का, वरिष्ठ वैष्णवों का और मेरे समस्त जितने भी प्रिय मेरे श्रेष्ठ वैष्णव गण बैठे हुए हैं, जिनसे हमेशा सुना है, सीखा है, उन सबके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम अर्पण करके बस एक ही आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हूँ। कृपया आप सब मुझे हृदय से आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ना तो मेरे अंदर कोई भक्ति है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई साधना है, ना कोई योग्यता है। मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं कि मैं भगवान की ग्लोरिफिकेशन, जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान कर सकूं। यदि मेरा एकमात्र आधार कुछ है तो मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद, मेरे गुरु महाराज की कृपा और आप सब वैष्णव जनों की प्रार्थना ही है, जिनके द्वारा मैं सशक्त होकर सही समय पर सही भाव से सही शब्दों में भगवान के इन परम पवित्र लीलाओं का आप तक जो अमृत है उसका विभाजन कर पाऊंगी। तो आप सबके चरणों पर, स्पेशली यहाँ पर शिला श्री त्रियोगा महाराज बैठे हुए हैं, और मुझे बहुत हेजिटेशन हो रही है, मैं उनके चरणों पर हाथ रखकर उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जगन्नाथ भगवान की महिमा का गुणगान कर सकूँ। आए हुए समस्त भक्तों से एक मात्र प्रार्थना है कि बस 15 मिनट तक आप एक काम करिए, जगन्नाथ जी को ये वचन दीजिए कि 15 मिनट तक आप बात नहीं करोगे, किसी को नहीं देख रहे, बस ये स्वरूप जो आप आज देख रहे हो, ये उत्सव जो आप आज मना रहे हो, ये जो कृपा आज आप लूट रहे हो, आपको वास्तव में नहीं पता कि आपको क्या मिल रहा है। तो उसी इस भगवान की कृपा को हम समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे,
अभी आपके मन में जो बातें चल रही हैं, बुद्धि में जो विचार चल रहे हैं, उनको बस थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे और सब हाथ जोड़िए, सब जगन्नाथ जी को प्रणाम करिए, हाथ जोड़िए, नेत्र बंद कीजिए और मेरे पीछे मंगलाचरण कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आज आप जो आए हो कुछ लेकर जाओ। और मेरे पीछे बोलिए, गुरवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रे सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते तु हरग्राह नमस्ते मूषलायुध नमस्ते रेवती कांता नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणी धर नमस्ते धरणी धर प्रलम्भारे नमस्ते तु प्रलम्भारे नमस्ते भ्यो त्राहि मां कृष्ण पूर्वजं त्राहि मां कृष्ण पूर्वजं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त सादि गौर भक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे हमारा परम सौभाग्य है और मैं हृदय से आभारी हूँ स्वामी नारायण सत्संगी और सेवाधारियों की जिन्होंने मुझे तुच्छ जीव को यह अवसर प्रदान किया कि मैं भगवान के विषय में कुछ बताने का यह अवसर जो कि आप सब तक जो मेरे आचार्यों की देन है जो मेरे जो शुद्ध वैष्णव हैं उनकी जो शिक्षाएं हैं उनका ये पवित्र अमृत है उसको थोड़ा थोड़ा आप तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकें।
ये परम सौभाग्य है हमारा जो भगवान ने हमें इतना सुंदर अवसर प्रदान किया है और हम ना जाने कितने सालों से यहाँ स्वामीनारायण मंदिर में इस जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का उत्सव मनाते हैं। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, कराची में नहीं रहते थे हम, कहीं बाहर से गांव से आए थे और मुझे किसी ने कहा स्वामीनारायण मंदिर में आज जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा है, आप चल के उसके दर्शन करो, उसके बहुत लाभ मिलते हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर यहीं पर है तो मैं भी जिद करके अपने माता पिता के साथ आ गई कि मुझे भी है ना दर्शन करने हैं। और जब मैंने जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो मैं सोची, मतलब मेरे मन में ऐसा था कि ये तो पता नहीं कौन से भगवान है, मतलब कहीं से भी मुझे ये कृष्ण जैसे लग नहीं रहे थे। तो मैंने समझा शायद अभी हमारे तो बहुत सारे डेमीगॉड्स हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, तो उनमें से कोई होंगे जिनको रथ में बिठा के ये ना रथ यात्रा करते होंगे और इतने सारे भीड़ लोग आए हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी के विषय में इतना कुछ सुना नहीं था। और फिर जब है ना इसी तरह से जगन्नाथ जी यहाँ पर अपने रथ पर विराजमान थे और जब सब बैठ गए तो मैंने सोचा आप कुछ पता चलेगा कि ये नीतीज क्या है, ये कौन से विग्रह है। तो यहाँ पर त्रियुगा महाराज बैठे थे और वो भगवान जगन्नाथ जी की कथा सुना रहे थे। तो मैं शुरू से ही बचपन से ही मतलब त्रियुगा महाराज को सुना था किसी न किसी वैष्णव के द्वारा कहीं ना कहीं मंदिर में, तो मुझे ये पता था कि ये हरे कृष्ण वाले हैं और मुझे ना बहुत अच्छा लगता था उनसे सुनना, बहुत अच्छा लगता था उनका जो वे ऑफ था ना समझाने का, उनका जो फेथ था भगवान के प्रति जो, वो बहुत अच्छा लगता था। और मैं भी शुरू से ही कृष्ण भक्त थी तो मुझे पता था ये हरे कृष्ण वाले हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा कथाओं में आते नहीं थे, एक दो दफ़ा सुना था। और मैंने सोचा अरे ये कौन से भगवान हैं, ये हरे कृष्ण वाले तो खाली कृष्ण की पूजा करते हैं, ये महाराज इन भगवान के बारे में बता रहे हैं, मतलब इसका जरूर कोई कृष्ण से कनेक्शन होगा। मैं सोच रही थी, मुझे फिर भी ये नहीं समझ में आया क्योंकि मेरे माइंड में एक कंसेप्ट है ना कि कृष्ण कैसा होगा, उनकी बांसुरी होगी, वो टेरा खड़े होंगे, उनका मोर मुकट होगा और उनके वो अधरम मधुरम मदनम मधुनम मधुराधिपति ऐसे होंगे और उनके साथ श्रीमती जी राधा रानी जी होगी। लेकिन ये क्योंकि तीन थे और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है। और महाराज ने बहुत ही विस्तार से कथा सुनाई थी इंद्रद्युम्न महाराज को, मैं बचपन से हम लोग ये कथा सुनते हैं, लेकिन मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि इंद्रद्युम्न महाराज जो है वो शायद देवताओं के राजा इंद्र का ही देवराज इंद्र को बोल रहे हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि वो बहुत अच्छी शुद्ध हिंदी बोलते थे तो मैं इतना अच्छे से समझती भी नहीं थी, तो बस सुन के आ गई। लेकिन मुझे समझ में इतना अच्छे से आया नहीं, थी भी मैं छोटी और पहली बार सुना था। तो इस तरह से सुनते सुनते इतनी बार जब भगवान की महिमा सुनी तब कहीं जाकर हम भगवान जगन्नाथ जी की महिमा को थोड़ा थोड़ा समझ पाए हैं। और आज हम देखते हैं कितने सारे लोग हैं जो रथ पर भगवान की रस्सी को खींचने के लिए आते हैं। महाराज ने उस दिन बताया था कि ये रथ की रस्सी को जो खींचता है, शास्त्र में लिखा है सिकंद पुराण में, रथाग्रेच वामनदृष्ट्वा पुनर्जन्मान विद्यते। इस भगवान को जब कोई रथ पे बैठा हुआ देख लेता है, खाली आप खाली ये दर्शन कर लेते हो ना, पुनर्जन्म विद्यते, पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। जो केवल रथ की रस्सी को पकड़ता है, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मैं सोचती थी कि इतनी छोटी सी क्रिया है और इतना बड़ा उसका रिजल्ट ऐसे कैसे है। तो क्या है, हमको नहीं पता चलता, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ पे बैठना कितनी बड़ी कृपा है। एक आचार्य बहुत सुंदर बता रहे थे कि जब हम बीमार होते हैं ना तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हमारे अंदर
उठने की शक्ति नहीं होती है तो डॉक्टर को आना पड़ता है। उसी तरह से हम सारे जितने जीव हैं वो भौतिक रोग से ग्रस्त हैं। अब जिनको थोड़ा रोग है वो मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी बहुत बड़े डॉक्टर हैं और देखते हैं जो बहुत ज्यादा पतित हैं, जो भव रोग से बहुत ज्यादा ग्रस्त हैं, वो नहीं आ सकते मंदिर, तो मैं निकलता हूँ सड़कों पर और मैं उनको अपना दर्शन देती हूँ। क्योंकि भगवान इतना प्यार करते हैं हमसे, हम सब ना भगवान के बहुत लाडले हैं, और जो लाडला होता है ना उनको जब वो घर से चला जाता है, नहीं आता, दूर आ, तो पिताजी क्या करते हैं, वो भाग के जाते हैं उनको लेने के लिए। इसलिए हम नहीं जाते ना भगवान के दर्शन करने। और ये भी है, जगन्नाथ जी ने सोचा भाई मैं तो जगत का नाथ हूँ और यहाँ पर मुझे पूरी नाथ बना के रख दिया, पूरी में बैठा रहता हूँ और आ भी सकते हैं सिर्फ वैष्णव ब्राह्मण या फिर सनातन धर्मी आ सकते हैं, मैं केवल उनका थोड़ी ना हूँ, मैं तो पूरी जगत का हूँ। इसलिए जो आ सकते हैं उन्हें मंदिर में दर्शन दूंगा, जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए मंदिर से बाहर निकलूंगा। और भगवान जो है रथ पे निकलते ना आपको दिखता नहीं होता है, कितने चमत्कार हो रहे होते साथ साथ में, क्या हो रहा होता है, सबसे पहला तो भगवान की जो नेत्र है ना वो देख रहे होते हैं कौन कौन आया है, कभी ऐसे होते कभी ऐसे होते, अच्छा वो भी आया, अच्छा वो, ये तो कितने दिनों से दर्शन नहीं दिया, वो तो कब से नहीं आया, भगवान बगैर पलके तो है ही नहीं, तो ऐसे एक तक देख रहे होते कौन कौन आया है कौन कौन आया है। तो इस तरह से क्या होता है, पहली कृपा भगवान की कृपा दृष्टि पड़ती है सबके ऊपर, ग्लैंस भगवान का, ये कृपा दृष्टि जिसके लिए बड़े बड़े योगी तपस्वी साधु ना जाने कितने जन्मों तक तपस्या करते हैं, जगन्नाथ जी रथ पर बैठकर सबके ऐसे ही मुफ्त में उस कृपा का वितरण करते हैं। दूसरा क्या होता है, जब जगन्नाथ जी का रथ चलता है ना तो रथ चलने से कुछ धूल और मट्टी उड़ती है और वो जो हमारे ऊपर आती है, जो भक्त नृत्य कर रहे होते हैं, वो जो भक्तों की जो उछलते हैं उनसे जो मट्टी उड़ती है उससे क्या होता है हमको नहीं पता लगता, लेकिन उससे हमारे हृदय की मेल साफ हो जाती है। और जगन्नाथ जी का एक बहुत ही सुंदर गुण है, अब देखो जैसे हम सब जानते हैं कृते यध्यायते विष्णु द्वापुरे परिचर्या याम त्रेता याम यज्ञ तो मखे, तो सतयुग में ध्यान करके भगवान की पूजा करते थे, त्रेता में यज्ञ करके, द्वापुर में परिचर्या करके, और कलावतार हरि कीर्तना, चैतन्य महाप्रभु करुणा के अवतार बनकर आए कि भाई कलयुग के सारे लोगों को भगवान का नाम लूंगा, वो केवल बोलेंगे क्या, कृष्णा कृष्णा हरे राम फिर भगवान ने देखा मैं तो बहुत महावदन्याय होकर आया, लेकिन ये लोग है ना इतनी कृपा को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जैसे ही माला उठाते हैं नाम जप करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, उसी समय समाधि लग जाती है, कथा सुनते हैं तो सो जाते हैं, नाम जपते हैं तो सो जाते हैं, इनके ऊपर ना कुछ स्पेशल कृपा करनी चाहिए। फिर भगवान ने बहुत सोचा कि आखिर कौन सी चीज है जिसमें सब लोग बहुत ही आनंद लेते हैं, जिसमें किसी को नींद नहीं आती, जिसका नाम सुन के सबके चेहरों पर हंसी आ जाती है, सारी थकान दूर हो जाती है, वो कौन सा मंत्र है, महाप्रसादे गोविंदे। अच्छा आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कथा सुनते हुए सो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा होगा नाम जप करते हुए, कुछ कुछ तो कीर्तन रात और कीर्तन हो रही होगी उसमें भी सो रहे होते, आज तक आपने कभी किसी को देखा कि भोजन लगा महाप्रसाद हो गया और वो सो रहा है, नहीं, सारी नींदें उड़ जाती हैं सारी, और उस टाइम का कंसंट्रेशन ऑन द प्रसाद इतना होगा कि मुझे ये नहीं मिला। इस टाइम पर आप सुन रहे हो, कोई शब्द सुना नहीं सुना, कोई कथा सुनी नहीं सुनी, कोई
इतना ज्यादा अंदर से वो हो नहीं रहा, लेकिन जब प्रसाद लगता है तो समझो पूरा का पूरा फोकस्ड होता है। तो जगन्नाथ जी जो है वो प्रसाद के द्वारा कृपा करते हैं कि खाओ और कृपा प्राप्त करो। तो इतनी सारी कृपा आखिर कौन कर सकता है? आपने बहुत बार इंद्रद्युम्न महाराज की कथा सुनी होगी कि जगन्नाथ जी जो है वो इस स्वरूप में महाराजा इंद्रद्युम्न की कृपा से आए। या फिर अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना कि जब नारद मुनि ने जगन्नाथ जी भगवान को देखा कि रोहिणी माता कथा सुना रहे हैं, और नारद मुनि ने देखा कि भगवान का ऐसा स्वरूप हो गया है, तो नारद मुनि ने उनको बोला कि आप इस स्वरूप में कलयुग के जीवों को दर्शन देना। क्या केवल इतना ही कारण हो सकता है भगवान के इस स्वरूप में आने का? ये इतनी बड़ी अनुकंपा, ये इतनी बड़ी कृपा अगर कोई कर सकता है ना, तो एक और एक मात्र वो बरसाने वाली ही कर सकती है। बरसाने वाली श्रीमती राधा रानी की, करुणामयी श्रीमती राधा रानी की। तो वैसे तो बहुत सारे बहिरंगा कारण होते हैं रथ यात्रा के, लेकिन एक बहुत ही अंतरंगा कारण है। बस 10 मिनट में उस कारण को हम माइंड अप करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सब जो भी आपके है ना दूसरे दूसरे में एंगेजमेंट्स है ना, उनको छोड़कर फोकस कीजिए तो आप उसको बहुत अच्छे से समझोगे। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, उसके पीछे जो वृंदावन वासियों का हाल था, कितना गैया रोती थी, कितना गोप ग्वाल रोते थे, यशोदा मैया कितना स्मरण करती थी, गोपियां कितना याद करती थी, ये सब तो आपने सुना है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कृष्ण वहां मथुरा में जाकर, द्वारिका में जाकर उन सबको भूल गए थे। कृष्ण एक एक क्षण में बार बार उनको स्मरण करते थे। कृष्ण 11.5 साल तक मथुरा वृंदावन में रहे, उसके बाद मथुरा में आए, और जैसे मथुरा के बाद जब द्वारिका में गए तो द्वारिका में वो अपने ब्रजवासियों को बहुत स्मरण करते थे, बहुत याद करते थे, बहुत रोते थे। और सारे जितने भी रानियां हैं वो कृष्ण के इस हाल को नहीं देख पाती थी। अब एक बार क्या हुआ कि राधा रानी रोज रोज अपनी सखियों को कहती थी कि ललिता विशाखा, अब मुझसे ये जीवन सहा नहीं जाता, तुम ऐसा करो ना मुझे विष दे दो ताकि मैं मर जाऊं, क्योंकि कृष्णा का विरह जो है वो मुझसे सहा नहीं जाता। तो ललिता कहती, राधे हम विष तो दे देंगे मगर तुम उससे मरोगी नहीं। राधा रानी बोलती थी, क्यों नहीं मरूंगी, बोलो तुमने इतना ज्यादा अमृत पिया है ना, कानों से कृष्ण की बांसुरी का अमृत पिया है, अपने नैनों से कृष्ण के स्वरूप का अमृत पिया है, अपने अधरों से कृष्ण के स्वरूप का अमृत पिया है, तुमने अपने हर अंग से कृष्ण नाम का अमृत पिया है, तो जो नेक्टर का डोज है ना वो बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई भी विष जो है वो तुम पर असर नहीं करेगा। तो फिर राधा रानी ने कहा, फिर ऐसा करती हूँ मैं यमुना में कूद कर ध्यान जान दे देती हूँ, ठीक है? बोला राधे तुम यमुना में भी अगर कूदोगी ना तो भी तुम मरोगी नहीं। राधा ने कहा, क्यों नहीं मरूंगी? बोले क्योंकि तुम्हारे हृदय में कृष्ण प्रेम की जो अग्नि चल रही है ना, अगर तुम यमुना में गई ना राधे तो यमुना भी सूख जाएगी। राधे कहती, लेकिन मैं क्या करूं, अपने और विरह को नहीं सह सकती। और भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। वो इस तरह तड़पती है तो क्या वो सुकून से बैठा होगा द्वारिका में? कृष्ण भी राधा रानी को याद करते हैं, और याद करते 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 अपने जो उनका कक्ष है, उनका जो शैया है, उससे नीचे गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। राधे 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 मैया गोपी, ऐसे बोलते बोलते कृष्णा जोर से टक्कर मारते हैं अपनी दीवारों पर और फर्श पर, और मूर्छित हो जाते हैं। वहीं पर नारद मुनि और उद्धव आते हैं। नारद मुनि जो है
उनको सारी रानियां कहती हैं, देखिए ना देवर्षि, देखिए ना कृष्ण को क्या हो गया है, वो केवल राधे 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 चिल्ला रहा है। तभी देवर्षि ने कहा कि अब इस समय कृष्ण को वृंदावन लेके जाना है, जब तक वो वृंदावन नहीं जाएगा ना तो वो अपने इस मूर्छा से बाहर नहीं आएगा। और कृष्ण को वृंदावन लेके जाना, इसके लिए तो उसे यहाँ से उठाना पड़ेगा, वो तो अभी मूर्छित है। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, मेरे पास एक ट्रिक है, मैं वृंदावन लेकर जाने के लिए कृष्ण को उठाता हूँ, उसके लिए मुझे कुछ गाना पड़ेगा, वृंदावन की महिमा गाऊंगा और फिर कृष्ण उठ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये है कि अभी वृंदावन वासी जो है वो इतने दुखी हैं, सारे वृक्ष सूख गए हैं, गैया रो रही हैं, पत्थर रो रहे हैं, यहाँ तक कि जो पशु पक्षी हैं वो रो रहे हैं, यशोदा मैया नंद बाबा गोपियों और राधा रानी की क्या दशा है। अगर कृष्ण इस सब स्थिति में वहां पर वृंदावन में गए और कृष्ण ने उनको देख लिया तो कृष्ण सहन नहीं कर सकेंगे और फिर कभी नहीं मिलेंगे तुमको, तुम्हें फिर क्या करना चाहिए। बोले ऐसा करते हैं, किसी को पहले बेचते हैं और वृंदावन वासियों को जाके ये खबर दे दे कि आप सब रोना बंद कर दीजिए, एकदम सही हो जाइए, कृष्ण आ रहे हैं। और जब कृष्ण जाएंगे वो सब खुश है, आनंद से है, तो वो सब जो है उनको देख के कृष्ण खुश हो जाएंगे और वापस आ जाएंगे। बोले अच्छा फिर किसको भेजें। उद्धव जी सामने खड़े थे, नारद मुनि ने कहा उद्धव एक काम करो, मैं कृष्ण को जगाने का प्रयास करता हूँ, तुम रथ लेकर वृंदावन जाओ। उद्धव ने कहा नारद मुनि आप सेवा तो बहुत अच्छी दे रहे हो, लेकिन मैं वृंदावन जाऊंगा ना, मेरी कोई बात मानेगा ही नहीं, क्योंकि इससे पहले भी मैं वृंदावन गया था और मैंने सबको कहा था कि मैं कृष्ण को बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, गोपियों को, मुझे तो कृष्ण ने गोपियों को ज्ञान की पट्टी बढ़ाने के लिए भेजा था, वहां पर मैं गोपियों को कहता था गोपियां कृष्ण तो सर्वत्र है, परमात्मा है, उस पे ध्यान लगाओ। और गोपियां कहती थी उद्धव हमारी प्रॉब्लम यही तो है कि ये मन कृष्ण में लगा हुआ है, थोड़ा मन कृष्ण से हटे तो हम कुछ करें। हे उद्धव मन ना भय दस बीस, हम संसार के लोगों को यही बता दें भाई संसारी चीजें हैं, मटेरियल है, सब आना जाना है, खत्म हो जाने वाले हैं, उनसे मन निकालो और भगवान में मन लगाओ। लेकिन जिसका मन भगवान में लगा हुआ है और भगवान में इतना लगा हुआ है कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसे मैं क्या जाके सिखाऊं। उद्धव ने कहा मेरी बात कोई नहीं मानेगा इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर बलदेव जी को कहा बलदेव जी आप चले जाइए रथ लेकर, क्योंकि अगर ऐसे ही कृष्ण उठ गए और वृंदावन गए तो फिर वापस नहीं आएंगे, तुम जाकर उनको सांत्वना दो। तभी बलदेव जी ने कहा मैं भी तो गया था, मैया को मैं प्रॉमिस करके आया था, वचन दिया था मैया को मैं लेके आऊंगा, मैं बड़ा भाई हूं, क्यों नहीं मानेगा मेरी बात, मेरी हर बात माननी पड़ेगी उसे। और फिर कृष्ण चला नहीं तो फिर अब मेरी बात भी कोई नहीं मानेगा। तभी नारद मुनि ने कहा लेकिन मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे इसको उठाना है। और उस समय सुभद्रा जी आई और सुभद्रा जी ने कहा मैं जाती हूँ, मैं जाऊंगी ना क्योंकि मैं पहले गई भी नहीं हूँ, और गोपियां और जितनी भी ग्वाल बाल वहां पर यशोदा मैया मेरी बात जरूर मानेंगे क्योंकि मैं स्त्री हूँ और स्त्री के अंदर इमोशंस बहुत होते हैं ना, तो मैं जाके उनको बोलूंगी देखो पहले उद्धव और बलराम जी गए ना, वो नहीं लेके आया, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं कृष्ण को लेके आऊंगी। और इस तरह से सुभद्रा जी जैसे मांगती हैं और कहती हैं मैं तो कितनी लाडली बेटी हूँ यशोदा मैया की, मैं उनकी गोद में बैठूंगी, उनको हग करूंगी, राधा रानी को समझाऊंगी, गोपियों को समझाऊंगी, मेरी बात सब मानेंगे, मैं उधर जा रही हूँ। और जैसे ही सुभद्रा मैया गए तो उसके पीछे पीछे बलराम जी ने कहा नहीं सुभद्रा तुम अकेले नहीं जाओ, तुम मेरी बहन हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो सुभद्रा जी ने कहा कि अगर हम दोनों चलेंगे और कृष्ण नहीं आएंगे तो सब लोग बोलेंगे भाई कृष्ण नहीं आए, तो हम उनको बोलेंगे कृष्ण बस पीछे आ रहे हैं क्योंकि वो राजा हैं, द्वारी का अधीश हैं, सब लोग उनको आ रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, इसलिए हम पहले आए। लेकिन जब तक हम पहुंचेंगे नारद मुनि आप जल्दी जल्दी कुछ करिए ताकि कृष्ण उठ जाए।
और जैसे ही सुभद्रा जी और बलराम जी जाते हैं तो ये वृंदा देवी की योजना है कि पहले बलराम जी पहुंचते हैं और डायरेक्ट से निधिवन में जाते हैं। निधिवन जो कृष्ण और राधा रानी की प्रेम लीला स्थली है, और वहां पर जैसे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, एक अलग ही दृश्य है। देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी जो है वो अपने अंतिम सांस के लिए है। राधा रानी की सारी जितनी सखियां हैं वो सब राधा रानी की सेवा में लगी हुई है, और राधा रानी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब वो अपने इस प्राण को त्यागने के लिए बैठी हुई है। ललिता, विशाखा, तुंग देवी वो सब वहां पर राधा रानी की सेवा कर रही हैं, और ललिता जी जो है राधा रानी ऐसे निधिवन में लेटी हुई है, रेत के ऊपर ललिता जी गोद में बिठाई है, चंपक लता उनको चंदन का लेप कर रही है ताकि वो थोड़ा उनका शरीर जो इतना अग्नि में जल रहा है विरह की वो शांत हो जाए। जो दूसरी दो सखियां हैं वो उनके चरणों में मालिश कर रही हैं, कोई कैसे कर रही है, कोई उनको छींटे मार रही है, और एक चंपक लता जी जो है वो रुई का जो कॉटन है ना वो बॉल उसके बना के राधा रानी के नाक के आगे लगा रही है कि शायद राधा रानी की सांस अभी चल रही है या नहीं चल रही है। और जैसे ही बलदेव जी और सुभद्रा जी आते हैं और राधा रानी की ये हाल देखती हैं तो वो इतना उनके अंदर प्रेम का विकार आने लगता है, और फिर सारे जितने प्रेम के लक्षण हैं पुलक, अश्रु, श्वेत, कंप सारे प्रकट होने लगते हैं, नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, पूरे शरीर में पसीना आने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गला रुद्ध हो जाता है, और उनका सारा जो शरीर है वो अंदर चला जाता है, नेत्र बड़े हो जाते हैं, उनके होंठ इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, उनकी स्माइल कि राधा रानी जा रही है, राधा रानी ये संसार छोड़ के जा रही है कृष्ण के विरह में, अब अगर कृष्ण आएगा उसको हम क्या बताएंगे। तो राधा रानी को ये देख रहे हैं, और एक सखी जो है वो राधा रानी के कान में कृष्णा 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 पुकार रही है। तो इतने में कृष्ण जो है नारद मुनि वहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही सुभद्रा जी और बलराम जी गए तो वहां पर नारद मुनि क्या करते हैं, नारद मुनि बजाए बीणा राधिका रमण नामे, वो राधा रानी का नाम लेकर राधे 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 कहकर नारद मुनि जो है वो कृष्ण को जगाने बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, और जैसे ही कृष्ण राधा रानी का नाम सुनते हैं, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे, जाते हैं। और कृष्ण जैसे ही उठते हैं तो कृष्ण त्रिभंग जो उनका स्टाइल है ना त्रिभंग तरीके से वो खड़े हो जाते हैं। अब क्या है, कृष्ण जब द्वारिका में रहते हैं तो कृष्ण के पास कुछ चीजें नहीं है, क्या नहीं है, कृष्ण के पास बांसुरी नहीं है, कृष्ण के पास मोर मुकुट नहीं है, कृष्ण के पास पीला पीतंबर नहीं है, कृष्ण के पास ये त्रिभंग स्वरूप नहीं है। वो द्वारिका में तो द्वारिकाधीश बन के रहते हैं, और वो ऐसे थ्रीफोल्ड ये त्रिभुज स्टाइल में खड़े होकर बोलते हैं कि मेरी बांसुरी कहाँ है, मेरी बांसी कहाँ है, ऐसे करके पूछते हैं। और देखते हैं उद्धव और नारद बोलते आप लोग वृंदावन में क्या कर रहे हो, तो उद्धव और नारद एक दूसरे को देखते हैं, और फिर कृष्ण स्वयं को खुद को देखता है, तो मेरी बांसुरी मेरा मोर पकड़ कहाँ है, मेरा वस्त्र कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं वृंदावन में हूँ और मैं द्वारिका में होने का स्वप्न देख रहा हूँ, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं द्वारिका में हूँ और मैं वृंदावन में होने का स्वप्न देख रहा हूँ।
मुझे ये बताओ कि अभी मैं हूं कहां। तभी नारद मुनि कहते हैं, प्रभु आप इस समय द्वारिका में हो। और जैसे ही कृष्ण सुनते हैं कि मैं द्वारिका में हूं, तो कृष्ण इतना जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं, मैं यहां पर क्यों हूं, मुझे यहां कौन लेकर आया है, मुझे यहां नहीं रहना, मुझे वृंदावन जाना है। नारद मुनि कुछ करो, मुझे वृंदावन लेके जाओ, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आ रही है, मुझे नंद बाबा की याद आ रही है, मुझे राधा की याद आ रही है, आप मुझे वहां लेके चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो मुझे याद कर रहे होंगे, वो ना जाने कैसे जी रहे होंगे, आप मुझे वहां लेके चलो। और कृष्ण जब इस तरह से बोल रहे थे, उद्धव उनको प्रेम से आलिंगन करते बोलते, हाँ प्रभु हाँ, आपको वृंदावन में लेके जाने की पूरी योजना बना दी गई है। देखो ना, तुम्हारा दारू रथ लेकर खड़ा है, ये मन की गति से चलाएगा और आप एक क्षण में पहुंच जाएंगे। तो कृष्णा जो है वो झट लगा के उस रथ में बैठने का प्रयास करते हैं, लेकिन कृष्णा इतने शक्तिहीन हो जाते हैं कि वो उठ नहीं सक रहे। उनके अंदर विरह का वो भाव है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, वो उठने का प्रयास करते हैं, फिर गिर जाते हैं। फिर उद्धव और नारद मुनि धीरे धीरे उनको रथ पे बिठाते हैं और कृष्णा दारू को कहते हैं, अति शीघ्रता से वृंदावन चलो, तुम वायु की गति से चलो। कभी दारुक जी कहते हैं, नहीं प्रभु, वायु से तेज होती है मन की गति, मैं मन की गति से चलाऊंगा और आपको क्षण भर में वृंदावन पहुंचा दूंगा। और इस तरह से जैसे ही कृष्ण रथ पर बैठते हैं और सीधा वो रथ चलता है और सीधा वहां निधिवन में पहुंचता है। और निधिवन में जब पहुंचते वहां सारा वृंदावन रो रहा है, क्योंकि वो तो गए थे ना बलदेव जी और सुभद्रा जी चुप कराने के लिए, लेकिन उनकी तो दशाएं बिगड़ गई थी। सारा वृंदावन वो पहाड़ों और चट्टानों पे सर पटक रहा था, सारे लोग अपनी छाती पीट रहे थे, पूरा वृंदावन जो है वो एक जगह जमा हो गया था और श्रीमती राधा रानी के गिर्द जमा हो रहे थे। राधा रानी बस अपना शरीर छोड़ने के लिए खड़ी थी, सारी वो ब्रज धूरी जो है वो राधा रानी की ओर देख रही थी, सब पशु पक्षी सब राधा रानी की ओर देख रहे थे और सब जो है वो रो रहे थे। इतने समय में थोड़ी एक एक करके सब राधा रानी के पास आने लगे। सबसे पहले तो अभिमन्यु जी आए, महाभारत वाले अभिमन्यु नहीं, अभिमन्यु घोष, जो कि भौतिक जगत में राधा रानी के पति बने थे, और वो आकर राधा रानी के चरणों की धूल उठाकर अपने सर पे लगाने लगे और कहने लगे, आज मैं आज तक एक बात आप सबसे छुपाया हूं, मैं आपको आज एक बहुत बड़े रहस्य की बात बताने वाला हूं कि ये श्रीमती राधा रानी जो है वो हमेशा से कृष्ण की ही पत्नी थी, कृष्ण की ही है और कृष्ण की रहेगी। मैंने इसे इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि मुझे इसे अपने पति बना था, मैं क्योंकि कात्यायनी माता का भक्त था, तो वही कात्यायनी माता योग माया के स्वरूप में यहाँ पर पूर्णमासी जो देवी है उसके स्वरूप में वृंदावन में रहती है, और उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं उनका भक्त था, और उन्होंने मुझे एक सेवा दी थी। क्या सेवा दी थी आपको? बोला उन्होंने ये सेवा दी थी कि आपको राधा रानी से विवाह करना है। मगर क्यों? राधा रानी तो जन्म जन्मांतर से कृष्ण की है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन आपका सिर्फ एक ही काम है, राधा रानी को कृष्ण से दूर रखना है। लेकिन क्यों दूर रखना है? राधा और कृष्ण का मिलन तो कितना सुंदर होता है, उनको क्यों दूर रखा जाए? तो कहते हैं, हाँ राधा और कृष्ण यदि बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के मिलते हैं तो वो सुंदर है, लेकिन यदि उसमें कोई बाधा है तो वो और भी मधुर हो जाता है, क्योंकि प्रेम में जब रुकावट होती है, कोई बाधा होती है, विरह होता है, तड़प होती है, तभी प्रेम का आनंद होता है। और एक सुंदर एग्जाम्पल देते हुए कहती हैं कि जैसे आप अगर किसी हाथी को चलते हुए देखेंगे तो अच्छा लगेगा ना, हाथी अगर चल रहा है तो
तो अच्छा लगेगा, लेकिन बस अच्छा ही लगेगा। लेकिन वही हाथी यदि किसी सर्कस में बहुत ही बड़ी बड़ी मोटी मोटी जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है, और उस समय जब वो जंजीरें तोड़कर जब भाग रहा होता है, तब हमें कितना अच्छा लगता है। तो उसी तरह से राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम जो है वो मदमस्त हाथी की तरह है, और उसके अंदर जब रुकावट होगी तो वो प्रेम और भी निखर के सामने आएगा। इसीलिए मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि मैंने आज तक श्रीमती राधा रानी को कभी देखा भी नहीं है। ये तो बस मुझे मेरी जो मेरी इष्ट है उनकी उन्होंने सेवा दी थी, और मैंने तो बस ऐसे ही किया था। जैसे सीता मैया जो है वो रावण के पास नहीं गई थी, बल्कि कौन गई थी? छाया सीता गई थी। असली सीता तो सदैव किनके साथ थी? श्री राम के साथ थी। इसलिए मेरे साथ कोई राधा रानी नहीं थी, मेरे साथ तो केवल छाया राधा थी। असली राधा तो केवल कृष्ण की है, कृष्ण की थी और कृष्ण की रहेगी। तो उसी समय उनकी सिस्टर कुटिला भी आई, और वो भी राधा रानी के चरणों, क्योंकि सबको लग रहा था अब राधा रानी जा रही है तो सब अपने अपने जो अपराध है उनकी क्षमा मांगने के लिए आए। वो अभिमन्यु कहता था राधे मुझे क्षमा कर दो, लेकिन ये केवल तुम्हारे प्रेम का जो विरह भाव है वो दिखाने के लिए ऐसा किया। और फिर कुटिला जी आती हैं जो उनकी सिस्टर हैं, और वो कहती हैं मैंने सदैव श्रीमती राधा रानी में दोष ढूंढा, उनमें त्रुटि ढूंढी, मैं तो एक कीड़े की तरह थी। जैसे कीड़ा अगर किसी महल में चला जाता है ना, फिर भी वो एक गंदगी कोई ढूंढता है, महल में नहीं होता। एक कीड़ा जो होता है वो हमेशा एक हीरे के अंदर भी सुराख ढूंढता है उसके अंदर जाने का। तो श्रीमती राधा रानी एक हीरे की तरह उज्ज्वल नील मणि की तरह है, और मैं उसके अंदर हमेशा त्रुटियां ढूंढ रही थी, लेकिन श्रीमती राधा रानी के अंदर कोई त्रुटि नहीं है। वो परम पवित्र है, वो परम सती है। और मैं आपको एक सुंदर बात बताती हूँ जो मैंने हमेशा छुपा के रखी, वो ये है कि एक बार ब्रज में कृष्ण बहुत बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए। सारे वेद, सारे जितनी भी ट्रीटमेंट्स थी कृष्ण की गई, लेकिन कृष्ण सही नहीं हो रहे थे। तो एक वेद को बुलाया गया, और वेद ने कहा सिर्फ एक ही तरीका है जिससे कृष्ण सही हो सकते हैं। सब वृंदावन वासियों ने कहा हम करेंगे, हम करेंगे, कृष्ण को ठीक करने के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। तभी वेदराज ने कहा जान देने की जरूरत नहीं है, फिर क्या करें? बोले कृष्ण को एक घड़ा यदि यमुना जी का भर के आएंगे और उससे स्नान कराएंगे ना, तो कृष्ण ठीक हो जाएंगे। सब उठे, सब लोग अपना अपना घड़ा लेकर जा रहे थे। बोला नहीं नहीं, एक शर्त है। क्या शर्त है? बोला घड़ा वही होगा जिसके अंदर 100 सुराख होंगे, 100 होल्स होंगे उसके अंदर। अच्छा, और लेकिन उसमें से तो बह जाएगा। बोला आगे की शर्त भी है, वो केवल वही एकमात्र पतिव्रता स्त्री जिसने अपने पति के अतिरिक्त ना किसी के विषय में सोचा है, ना किसी को देखा है, ना किसी को जानती है, केवल वही उठा सकती है। और कैसे करना है? बोला ये जो यमुना का जो तट है, दूसरे तट तक एक बाल के जैसा एकदम पतला सा धागा होगा, उसके ऊपर चढ़ के जाना है, और वो घड़ा भर के आएगा, तभी कृष्ण जो है वो उसका बुखार सही होगा, वरना आप लोग कृष्ण को खो दोगे। तो सब सोचने लगी हम जा रहे हैं। बहुत सारों ने प्रयास भी किया, सब ने किया, कुटिला ने कहा मैंने भी किया, जटिला ने किया, सब प्रयास कर रही थी, लेकिन सब हार रही थी। और राधा रानी का तो सब उपहास करते थे कि भाई अभिमन्यु की पत्नी है और कृष्ण से मिलने जाती है। राधा रानी ने गई नहीं, और जब सब ने प्रयास किया तो यशोदा मैया राधा रानी से कहने लगी राधे मैं तुम्हें हाथ जोड़ती हूँ, मेरे कृष्ण की जान बचा लो। तो राधा रानी जाती है, और राधा रानी उस 100 सुराख वाले मटके को उठाती हैं, और बाल से भी पतले धागे के ऊपर चढ़ के यमुना नदी में जाती हैं, और पूरा घड़ा भर के आती हैं, और एक ड्रॉप भी पानी का नहीं गिरता, और वो घड़े से भगवान को स्नान कराते हैं और कृष्ण ठीक हो जाते हैं। मतलब यहाँ से हमें ये कथा से ये पता चलता है कृष्ण राधा रानी कितनी परम पवित्र है।
और उसके बाद क्या होता है, जैसे ये सब बता रहे हैं वहां चंद्रावली भी आ जाती है और चंद्रावली कहती है कि सबको लगता है कि कृष्णा राधा रानी को छोड़कर मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं हमेशा राधा रानी की नकल करती हूँ, राधा जैसा ड्रेस पहनती हूँ, राधा जैसी खुशबू लगाती हूँ, राधा जैसा हार पहनती हूँ, राधा जैसी मेणी। अब क्या है, जब प्रीतम प्रेमिका की कोई वस्तु देखता है तो उसकी ओर आने लगता है और कृष्ण समझते शायद राधा रानी है और वो मेरे पास आते हैं और मुझे देखते हैं और फिर बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगता है मुझे देखकर और राधे 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 कहकर चले जाते हैं। तो इस तरह से सब आ रहे हैं और धीरे धीरे वो कृष्ण का रथ भी वहां पर पहुंचता है। और जब कृष्ण का रथ वहां पर पहुंचता है तो कृष्ण श्रीमती राधा रानी का वो हाल देखते हैं, कृष्ण देखते हैं कि ये क्या है। और जैसे ही कृष्ण का रथ आया तो सब लोग वहां पर जो बिल्कुल निर्जीव पड़े थे जोर जोर से कहने लगे, आ गया कृष्ण, आ गया, आ गया कृष्ण, आ गया। राधा रानी को सुनाई नहीं दे रहा था। और राधा रानी की एक सखी जो ललिता है वो कान में जाकर राधा रानी से कहती है, राधे 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 नेत्र खोलो, देखो कौन आया है, देखो तुम्हारा कृष्ण आया है। और जैसे ही राधा रानी सुनती है कि कृष्ण आया है तो राधा रानी झूम उठती है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, जिसे कृष्ण आते हैं और सबको रोता हुआ देख लेते हैं, राधा रानी को मूर्छित देखते हैं तो कृष्ण की भी वही दशा हो जाती है, कृष्ण के अंग अंदर चले जाते हैं, कृष्ण के नेत्र खुल जाते हैं, कृष्ण के कान गायब हो जाते हैं, कृष्ण के पेट गायब हो जाते हैं, कृष्ण की इतनी बड़ी मुस्कान हो जाती है। और फिर कृष्ण भी जैसा स्वरूप आज आप यहाँ पर जगन्नाथ जी का देख रहे हो वैसा हो जाता है। और कृष्ण राधा रानी को देख रहे हैं और राधा रानी कृष्ण को देख रही है। और जैसे ही राधा रानी कृष्ण को देखती है अब तो कृष्ण मूर्छित हो गए, पूरा किस्सा उलट हो गया। राधा रानी को जगाने का प्रयास कर रहे कृष्ण आए, अब कृष्ण मूर्छित हो गए, सारी योजना बदल गई। अब सब सोचने लगे अब क्या करें, राधा रानी को बचाने का प्रयास कर रहे थे, कृष्ण आए, अब लगता है कृष्ण नहीं बचेंगे राधा रानी के इस हाल को देखकर। तो फिर राधा रानी ने कहा, नहीं नहीं अब कुछ नहीं होगा, अब मैं जो बताती हूँ ना मेरी योजना के अनुसार करो। और राधा रानी ने कहा, ललिता तुम वृंदा देवी से कहो एक योजना बनाए। क्या योजना बनाए, कि जितनी भी ब्रजमंडल की वायु है वो मेरे शरीर से गुजर कर कृष्ण की ओर जाए। और जब कृष्ण मेरे शरीर की सुगंध, मेरी माला की सुगंध, जब मेरी सुगंध कृष्ण तक पहुंचेगी तो कृष्ण को वास्तव में उसकी मूर्छा समाप्त हो जाएगी। और विशाखा तुम क्या करो, तो कृष्ण के कान के पास जाओ और प्रेम से मेरा नाम लो, राधे राधे जय राधे राधे। जगाइए कृष्ण को, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। और कृष्ण ने जैसे ही राधा रानी का नाम सुना कृष्ण के नेत्र खुल गए और कृष्ण वापस अपने स्वरूप में आ गए। कृष्ण ने राधा रानी को देखा, राधा रानी ने कृष्ण को देखा, वो एक दूसरे को देखकर आनंदित होने लगे। और राधा रानी कहने लगी, कृष्ण तुम आ गए। कृष्ण ने कहा, क्यों, मैं गया कहाँ था, मैं तो तुम्हारे साथ ही था राधे, क्या तुम्हें लगा कभी मैं तुम्हें छोड़ के गया हूँ। तभी राधा रानी कहती, हाँ कृष्ण, आज तो मुझे ऐसा लगता है कि मथुरा और द्वारिका वो सब सपना ही था, एक बुरा सपना देख के आज हम जागृत हुए हैं, अब तो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाना। और ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी जुदाई जो है वो एक निशान में खत्म हो गई और ये कितना सुंदर मिलन है। और बहुत सारी बातें करते हैं राधे और कृष्ण। और क्योंकि पूरी रात गुजर गई थी और सुबह के 4 बज रहे थे और जैसे ही 4 बजे हैं सारी गोपियां, सारे ग्वाल बाल, इतने सारे शंख मृदंग
किरतार लेकर राधे और कृष्ण की मंगल आरती करने लगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम मंगल का क्या मतलब होता है जानते हो? मंगल का वही मतलब होता है जब राधा और कृष्ण मिलते हैं, तो उस समय आरती होती है। उसके बाद कृष्ण जो है वो राधा रानी से कहते हैं, मुझे क्षमा कर दो राधे, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा दुख दिए हैं ना, तो तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो। अब देखिए राधा रानी कृष्ण से क्या वरदान मांगती है। राधा रानी कृष्ण से कहती है कि मैं आपसे सिर्फ एक ही वरदान मांगना चाहती हूँ कि जो विरह का भाव जो आज मैंने देखा है, मैं चाहती हूँ कि सारा जगत उस भाव का साक्षी हो, सारे जगत को आप अपने इस विरह भाव को के दर्शन कराइए। ये जो जगन्नाथ जी का स्वरूप आप देख रहे हो ना, ये श्रीमती जी की कृपा से हमको देखने के लिए मिला है। और कृष्ण कहते हैं, हे राधे मैं वचन देता हूँ कि ये जो मेरा रूप है, ये जगन्नाथ जी का स्वरूप है, वो करुणामय स्वरूप है। हाथ फैला के मैं प्रत्येक जीव को अपनी ओर आलिंगन करके बोलूंगा, आ जाओ, मेरी बरसाने वाली की कृपा है, लूट लो उसको। और श्रीमती राधा रानी को कृष्ण कहते हैं कि जगन्नाथ के रूप में मैं जब आऊंगा तो मैं अपने भाई और बहन को भी लेके आऊंगा, क्योंकि उन्होंने भी तो इस लीला में मेरा बहुत साथ दिया है। तो उसी तरह से जब रथ यात्रा होती है पूरी धाम में, पहले बलराम जी का रथ होता है, उसके बाद सुभद्रा जी का होता है, उसके बाद कृष्ण जी आते हैं और कृष्ण कहते हैं, और इस परम मिलन की लीला को बयान करने के लिए मैं हर साल जो है वो जगन्नाथपुरी से गुंडीचा की ओर जाऊंगा, और जो जो इस रथ की रस्सी को पकड़ेगा उसका रोल क्या होगा? उसका रोल होगा कृष्ण को राधा रानी से मिलाने के लिए ले गया। जय श्री राधे। श्रीमती राधा रानी जो है वो बहुत परम अनुग्रहित होती है उस व्यक्ति का जो कि इस रस्सी को खींचते हैं, और वो राधा रानी वो कृष्ण को लेकर आते हैं राधा रानी से मिलाने के लिए। और कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे प्रेम के कारण मैं एकदम काष्ठ की तरह बन गया था, और तुम्हारे प्रेम के विरह भाव के समुद्र में हम तैर रहे थे, उसी तरह से समुद्र में तैरते हुए लकड़ी दारू ब्रह्म के रूप में हम आएंगे और संपूर्ण जगत को अपनी कृपा प्रदान करेंगे। और मेरे इस विरह स्वरूप को जो जगन्नाथ का है, जो आज तुमने देख लिया है, और ये बात तो ये रूप तो पहले भी नारद मुनि ने देखा था, लेकिन तुम्हारे इस रूप का, तुम्हारे उस विरह रूप का किसी को अभी दर्शन नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे उस स्वरूप को, तुम्हारे उस विरह भाव को लेकर कलयुग में प्रकट होऊंगा, और तुम्हारे उस प्रेममयी भाव के साथ मैं पूरे संसार में उस प्रेम को वितरण करूंगा, जो तुम्हारा, जो संसार में कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, वो प्रेम में चैतन्य के स्वरूप में आकर सबको दूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं, चैतन्य नित्यानंद नाही सब विचार, नाम ले प्रेम दे बहे अश्रुधार, पात्र अपात्र ना देखे ना राखे स्थान स्थान, जय जहां पाए ताहे करे प्रेम दान। तो ये है कृष्ण और राधा के प्रेम की लीला, ये है श्रीमती राधा रानी की करुणा, ये अपार अनुकंपा है श्रीमती राधा रानी की, जिसकी जो कृष्ण उस राधा रानी के प्रेम में पिघल कर हम सबको वो प्रेम लुटाने के लिए आते हैं जगन्नाथ जी के रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो आप सबने इतना प्रेम, बहुत बहुत तालियां माता जी के लिए। आवाज इतनी ज्यादा नहीं आ रही है जितनी। जय श्री राम जय श्री राम। मुझे केवल एक ही आशीर्वाद चाहिए कि हरि नाम में मेरा प्रेम उत्पन्न हो, मैं निरपराध भाव से हरि नाम का जप कर सकूं और गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। थैंक यू सो मच। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव रथ यात्रा महा महा उत्सव की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। बरसाने वाली की जय। कीर्ति कुमारी की जय। कृष्ण
बातें सिर्फ प्रभु के साथ करते हो, इससे मेरे साथ गगन बेदी जय श्री राधे। श्रीमती राधा जगन्नाथ सुभद्रा मंदिर, जय स्वामी। धन्यवाद माता जी।